व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के दिन की मेरी दूसरी वीडियो है, मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक गुड न्यूज़ आपके सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि प्रयाग आंदूजू मंदिर खुल गया है और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आ चुका हूँ। तो ये रहा मंदिर और पूरी वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगने वाली है। सो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो मंदिर में अब हम आ चुके हैं और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी मतलब मेंटेन कर रहे हैं कुछ कुछ लेवल तक, सैनिटाइजेशन हो रहा है। ये जो भैया हैं आपको देख रहे होंगे वीडियो में, सो ये मेंटेन चेक कर रहे हैं कि सबका जो है बॉडी टेम्परेचर और सैनिटाइजेशन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो लोग ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, काफ़ी टाइम बाद मंदिर खुला है, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं अंदर, पर बाहर कोई दिक्कत नहीं है। सो मंदिर का देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, लोटस की डिज़ाइन में है। सो आप लोग देख पा रहे हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और चारों तरफ चार देवता हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ लिख भी रखा है, और दूसरी तरफ एक यहाँ एक वहाँ, और ऐसे एक उस कोने पे भी एक है। अभी देखो यहाँ पानी वानी नहीं है, यहाँ पे जब भी ये यूजुअल डेज में खुला रहता था तो यहाँ पानी भरा रहता था, और ये फुहारे हैं, लाइट्स वगैरह हैं, शाम के टाइम पे बहुत सुंदर लगता था। अभी थोड़े से डिफरेंट सीन है कोविड के बाद, अंदर अब जाना अलाउड नहीं कर रही। देखिए आप शील्ड देख पा रहे हो, शील्ड लगी हुई है जिससे आप बंदे सिर्फ बाहर से ही दर्शन करें, और अंदर नीचे जो है यहाँ मंदिर के नीचे एक गुफा जैसी बना रखी है, और उसमें जो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन कर रखा है। शायद हमें जाना अलाउ करें, शायद ना करें, देखते मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को। आगे चलता हूँ, आगे वीडियो बना अलाउ नहीं होगा, जितना अलाउ होगा मैं उतना आप लोगों को दिखा दूंगा। वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर अभी कोई कुछ कह नहीं रहा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है इसलिए। मंदिर के इस तरफ जाना अलाउड नहीं है, देखो यहाँ रोप्स हैं उस तरफ, और सिमिलरली उस तरफ जाना अलाउड नहीं है इस टाइम पे, कोविड वाला सीन है, इस चक्कर में अभी ये सब बंद कर रखा है सब। सिर्फ आप सामने से दर्शन करिए और सीधे नीचे चले जाइए। गुफा जो है नीचे अंदर जो गुफा थी वो भी अभी खुली नहीं है।
जैसा अभी कोविड के बाद यहाँ का सीन है, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, एक अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए, जिससे जो लोग वृंदावन आने का सोच रहे हैं कि भाई मंदिर की मुझसे पूछते हैं भाई कब खुलने वाला है, कब खुलने वाला, तो प्रयागानंद जो अब सबके लिए खुल चुका है, आप चाहो तो आ सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा इस जगह का, इस मंदिर का आपको ब्रीफ बता दूँ, हिस्टोरिक ब्रीफ, तो ये है कि ये मंदिर 2012 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 2018 में ये मंदिर फरवरी में सबके लिए ओपन हो गया था। लोटस जैसा कंस्ट्रक्शन है, लोटस फूल जैसा सिमिलरली दिखता है, और यहाँ पे जो मेन सेवाएं हैं वो ठाकुर श्री देवकीनंदन शास्त्री जी हैं, ऐसा वृंदावन में कहते हैं, उनका मंदिर है ये, लोग लोकल टर्म्स में तो इससे ही जानते हैं। मंदिर का नाम प्रयागानंद जू है, प्रयागानंद जू मतलब प्रीतम प्यारे, जो कि ठाकुर जी का ही एक और नाम है, जिस नाम से ठाकुर जी को जाना जाता है, प्रीतम प्यारे या प्रीतम दुलारी के नाम से ठाकुर जी जाने जाते हैं। सो ये वो है, और थंबनेल का कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये कुछ एक अपडेट वीडियो थी मेरी तरफ से, कि लोगों को पता चले कि भाई प्रयागानंद जू और वृंदावन के मंदिर अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, 17 तारीख से भैरजी भी खुल जाएगा, भैरजी जैसे ही खुलेंगे वैसे ही सब कुछ खुल जाएगा। तो देखो एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से जहाँ से भाई आ रहा है वहाँ से जो है जाने का रास्ता है केव में, वो अभी इस समय बंद कर रखा है इन्होंने, एक टेबल लगा रखे हैं, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, कोविड के बाद खुले हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो उतनी मेंटेन नहीं हो पा रही, पर फिर भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मंदिर में सब जगह जाने से। तो काफ़ी लोग मुझसे टाइम वाइम भी पूछते हैं कि भाई मंदिर कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है, तो रेगुलर आरती वारती का टाइम है कि सर्दियों में और गर्मियों में कब आरती होती है, पर अब कुछ जो मंदिर के स्पेशल खुलने का टाइम है वो ये है कि सुबह 9 से 12 और शाम को 5 बजे से 8:30 बजे तक खुलेगा। कुछ नोटिस वगैरह दे रखा है कि जो लोग यहाँ आए तो उनके लिए कुछ विशेष सूचना करके, आप लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। और यहाँ देखो मंदिर पर लिख भी रखा है प्रयागानंद जू मंदिर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था, बस मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। So, इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके साथ ही वीडियो शेयर कर देना। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।